अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ्स के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि मेरी जो जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो है उसमें कॉमन सा कमेंट आ रहा था कि आप अलजबरा के बारे में समझाएं, अलजबरा के बारे में समझाएं। तो मैंने कहा आज मैं अलजबरा के जो अलजबरा एक्सप्रेशंस हैं उनकी स्टार्टिंग, उसकी बिगनिंग है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इसके बारे में आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट, ये होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो मैथ्स को बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट समझते हैं। वो कहते हैं कि बस मैथ हो गया तो हमें ज़िंदगी में कभी आना ही नहीं। हालांकि मैथ ही सब ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे इजी होता है, जिसको कभी भी याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको समझना पड़ता है। ये एक किस्म की गेम होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस की गेम होती है। स्टूडेंट्स ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने तो इसको मैथ्स की एब्रीवेशन भी बनाई हुई है, इट्स अ मेंटल अटैक ऑफ हैंडसम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा अपना खुद का फेवरेट सब्जेक्ट्स है मैथ। इसकी सबसे अच्छी बात पता क्या होती है, वो ये बात होती है कि इसमें कभी भी बीच का रास्ता नहीं होता, या तो आप फुल मार्क्स लेते हो या आप ज़ीरो मार्क्स लेते हो। तो इस सब्जेक्ट को कभी भी अपने सर पर सवार नहीं करना चाहिए, इसको बड़ा फनी वे में, गेम की सूरत में लेना चाहिए। जिस तरह हमें गेम होती है ना, एक मोबाइल पर गेम है, हम खेल रहे हैं, तो दिल करता है कि तब तक इसको खेलते चले जाएं जब तक हमारी स्टेज कंप्लीट ना हो। तो इसीलिए मैथ्स के क्वेश्चंस को भी तब तक ही सॉल्व करते रहना चाहिए जब तक ये इसका सलूशन ना हो जाए, आंसर ना आ जाए। सो मैथ्स को कभी भी इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं समझना चाहिए। इसीलिए मैं मैथ्स की अलजबरा एक्सप्रेशंस की एडिशन के बारे में आज आपको समझाऊँगी। अलजबरा में आपने ना ये करना होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के बारे में पता होना चाहिए। इसका एक छोटा सा सिंपल सा चार्ट होता है, वो मैं आपको बताती हूँ और उसी चार्ट से मैं आपको समझाती हूँ। वो चार्ट अगर आपको याद हो गया तो फिर तो अलजबरा को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो अब मैं वीडियो को अपना स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले अलजबरा के चार्ट से। सो स्टूडेंट्स, ये है साइन का छोटा सा चार्ट, जिसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इसमें साइन का क्या सीन है, प्लस एन प्लस, जब इन दोनों साइन को आपस में कंबाइन कर लिया जाता है तो वो उसका आंसर भी प्लस फॉर्म में आता है, पॉजिटिव में आता है। जब दो साइन नेगेटिव के हों तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आता है, लेकिन एक साइन माइनस का हो, एक साइन प्लस का हो, तो उसका आंसर माइनस में आता है। और एक साइन प्लस का हो, दूसरा साइन माइनस का हो, तो उसका आंसर भी माइनस में आता है। अगर आपने इसको याद रखना है बहुत ईजी वे में, तो उसका तरीका सिर्फ ये है, जब साइन आपस में सेम हो तो वो पॉजिटिव होंगे, जैसे प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। सेम साइन का जो वो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आएगा पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आएगा नेगेटिव। ये है अलजबरा का, ये साइंस का छोटा सा चार्ट। अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो अलजबरा के एक्सप्रेशंस के जितने भी सम्स हैं उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे से याद करना है। सो स्टूडेंट्स, अलजबरा के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको अलजबरा के बारे में बता दूं, ये एक अलजबरिक वैल्यू है। इसके हर जो चीज़ है वो एक अपना, उसका एक नाम है, एक अपनी पहचान है, और इसीलिए मैं आपको उसके नेम बताती हूँ। सबसे पहले ये नाइन है, नाइन एक हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये स्टिल वैल्यू है। और इसको अलजबरिक फॉर्म में जब हम नेम लेते हैं तो हम इसको कहते हैं कोफिशिएंट। अब ये एक्स जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उसे हम कहते हैं बेस, क्योंकि अलजबरा की जो मेन पहचान होती है वो हमेशा उसके अल्फ़ाबेट्स से ही होती है। और उसके ऊपर ये जो छोटा सा टू लिखा हुआ है इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट, सिंपल वर्डिंग में हम इसको पावर भी कहते हैं। तो जो हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी जो कि चेंज नहीं होती, वो होता है कोफिशिएंट। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे वो होती है हमारी बेस, और जो हमारे ऊपर छोटे से डिजिट्स लिखे होंगे इसको कहते हैं एक्सपोनेंट या उसकी पावर। नाउ स्टूडेंट्स, ये अलजबरा का एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिसको हमने क्या करना है, जिसके ब्रैकेट्स के दरमियान में साइन है प्लस का, तो मीन्स हमने इसको सॉल्व करना है। ये एक अलजबरिक एक्सप्रेशंस हैं दोनों, और इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए इसके दो प्रोसीजर हैं, एक होता है रो वाइज, एक होता है कॉलम वाइज। जो मैं आपको अभी बता रही हूँ वो है रो वाइज प्रोसीजर। उसमें आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चंस को ऐड करते हैं उनके रो वाइज। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, थ्री एक्स प्लस टू वाई, इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है, प्लस टू एक्स माइनस वाई। अब क्या करना है, दो वैल्यूज़ कभी भी एक साथ प्लस नहीं हो सकती, एक जैसे कोफिशिएंट की वजह से प्लस नहीं होंगे, बल्कि अगर आपने वैल्यूज़ को ऐड करना है, प्लस करना है, तो इनकी बेस को ही आपस में मैच करना होगा। इसलिए इसको अरेंज कर देना है, थ्री एक्स
प्लस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस वाई। क्या करना है आपने, बेस के लिहाज से वैल्यूज़ को अरेंज कर देना है, वैल्यूज़ को मैच कर देना है। अब ये क्या है, यहाँ जिस वैल्यू के साथ अलजबरा में जिस वैल्यू के साथ जिस कोफिशेंट के साथ कोई साइन नहीं होगा उसके साथ हमेशा प्लस का साइन होता है। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों ने प्लस होना है, प्लस 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 थ्री एंड टू, जब इसको प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइव, और इसकी बेस को हम कंबाइन लिख देंगे फाइव एक्स। प्लस माइनस माइनस, अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है। बेस में अगर जिस वैल्यू के साथ बेस में अगर कोई आपके पास कोफिशेंट नहीं लिखा तो उसके साथ कोफिशेंट हमेशा वन होता है, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होगी उसका कोफिशेंट हमेशा वन होगा। अब ये एक प्लस है और एक माइनस में है, प्लस माइनस माइनस अभी मैंने आपको चार्ट में बताया, लेकिन जब आप ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का ही आता है। यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर वैल्यू टू है और टू का साइन हमारे पास क्या है, प्लस। लेकिन आपने करना क्या है, इसको जो सॉल्व करना है तो जो इसके चार्ट के अकॉर्डिंग जो साइन है उसी के लिहाज से सॉल्व कर देना है। प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, टू में से वन को माइनस किया वन, और वाई इसकी बेस आ जाएगी। वन लिखना ज़रूरी नहीं होता लेकिन मैंने सिर्फ आपको अच्छे से समझाने के लिए लिखा है। एक्सपोनेंट के साथ कोफिशेंट के साथ स्टार्टिंग में अगर कोई साइन ना हो मीन्स माइनस ना हो तो इसका प्लस लिखना भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये मैंने अभी लिखा है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये ऐड करने का तरीका था रो वाइज, अब मैं आपको कॉलम वाइज प्रोसीजर भी समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन का बताया है, फर्स्ट मेथड समझाया वो जो के था रो वाइज, अब मैं आपको इसका सेकंड प्रोसीजर समझा रही हूँ जो क्या है कॉलम वाइज एडिशन। रो में आपने वैल्यूज़ को रो में लिख के उसको प्लस माइनस किया था, अब आपने वैल्यूज़ को कॉलम की सूरत में लिख कर प्लस माइनस करना है। सबसे पहले आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखना है, इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है मतलब इन दोनों को ऐड करना है। अब सेकंड वैल्यू हमने किस तरह से लिखनी है, इसके बेस के अकॉर्डिंग, बेस आपस में दोनों सेम होनी चाहिए, 2x मतलब x के नीचे ही x की वैल्यू माइनस y के नीचे y की वैल्यू, ठीक। जिसके अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रोसीजर में भी बताया जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा उसके साथ प्लस का साइन होता है। प्लस 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 ये लिखना ज़रूरी नहीं होता लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखती हूँ। थ्री एंड टू फाइव, फाइव एक्स। प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू टू है और उसके साथ साइन हमारे पास क्या है, प्लस है। प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, जिस बेस के साथ कोई डिजिट नहीं होगा उसके साथ हमेशा वन होता है, टू में से वन को माइनस किया तो वन वाई। वन लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ही मैंने बताया है। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ आ रही आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह मेरी प्रीवियस वीडियो में सिर्फ एक कॉमन सा ये कमेंट आता जा रहा था कि हमें अलजेब्रा के बारे में बताएं, तो इसीलिए आप भी मुझे बता दिया करें कि आपको क्या चीज़ है जो नहीं समझ आती, मैं आपको अच्छे से समझा दिया करूं। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।